फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फ्लावर पूजा। आज मैं आप लोगों को अपने लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स को लेकर बात करने के लिए आई हूँ एंड कुछ शेयर करूंगी, पार्ट बाय पार्ट शेयर करूंगी। सो क्या शेयर करूंगी मैं बताती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ मतलब अपना प्रेगनेंसी मैं कैसे कंसीव की, मुझे कंसीविंग से पहले क्या प्रॉब्लम था, मेरी बेटी को मतलब सिजेरियन के थ्रू हुई वो, तो उसका क्या स्टोरी है एंड मैंने कैसे अपना वेट लूज किया, ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। सो एक साथ मिक्स करके नहीं बताऊंगी, बहुत बोलते ना घैच पैच हो जाएगा, इस टाइप का नहीं करूंगी मैं पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को बताऊंगी। सो आज का मेरा टॉपिक बस इतना सा ही है, इतना ही टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कंसीव करने में मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, वो किस रीजन, क्या रीजन था, क्यों कंसीव मैं नहीं कर पा रही थी। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि एंड मैं लाइव जाती हूँ तो लाइव का नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को। बहुत कोई का कंप्लेन होता है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आता है कि आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया होगा, इस वजह से नहीं आता है। सो चलिए हम स्टार्ट करते, ज्यादा ये नहीं खींचते हैं एंड मैं कैसे मतलब क्या है स्टार्ट करती हूँ। सो स्टार्ट करती हूँ अभी से। सो गाइस, मेरे हस्बैंड जब हम लोग सोचे कि हम लोग बेबी प्लान करेंगे, सो जब हम लोग ये सोच रहे थे कि बेबी प्लान करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत कुछ हुआ, शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सो आप लोग इसको अच्छे से सुनिएगा। सो जब हम लोग मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, सेवन मंथ ट्राई करने के बाद जब हम लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था एंड मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो गया कि क्यों कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। देन मैं और मेरे हस्बैंड ये सोचे कि चलो क्या है, मेरी मम्मी भी बार बार बोल रही थी कि तुम एक बार डॉक्टर दिखा लो, तो सो मैं एक बार सोची कि चलो एक बार डॉक्टर दिखा लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, अगर कुछ प्रॉब्लम है नहीं है तो नहीं है, है तो है, फेस तो करना पड़ेगा, भागने से तो कोई भी चीज आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। सो हम लोग डॉक्टर को विजिट किए, एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास गए, मतलब वो जिनको बच्चे वगैरह नहीं होते हैं उनकी डॉक्टर थी, तो उनके पास गए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने बताया डॉक्टर ऐसा सा है, हम लोग सेवन मंथ हो गया, हम लोग स्टिल ट्राई कर रहे हैं बट कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं है, आजकल तो हर कुछ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। सो उन्होंने मुझे बहुत सारा टेस्ट वगैरह लिख दिया, USG एंड ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, बहुत कुछ लिख दिया, T3, T4, TSH ऐसा करके बहुत कुछ लिख दिया था। सो मैंने सारा टेस्ट करवाया एंड उन्होंने मुझे बोला कि सबसे पहले तो आज मुझे आप एक अल्ट्रासाउंड करा के दिखा दीजिए कि अल्ट्रासाउंड में क्या है नहीं है, मैं देखना चाहती हूँ। सो हम लोग गए अल्ट्रासाउंड के लिए, तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया एंड अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट मैं जब डॉक्टर के पास लेकर आई तो डॉक्टर बोली क्या है अल्ट्रासाउंड में, तो बोले डॉक्टर मुझे कैसे समझ में आएगा, तो वो देखी तो देखने के बाद बोल रही है अच्छा मुझे यही लग रहा था, ऐसा बोली मुझे। तो मैं बोली क्यों डॉक्टर, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो डॉक्टर बोले लगी कि नहीं तुमको PCOD का प्रॉब्लम है। सो मैं बोली PCOD का प्रॉब्लम है कैसे, मुझे तो कभी वैसा कोई, मुझे PCOD के पहले से ही पता था, मेरे तो कोई वैसा सिम्टम्स नहीं है, बट बोलती नहीं देख अल्ट्रासाउंड मुझे दिखाया, मतलब मेरा अल्ट्रासाउंड में दिखाया कि देखो यहाँ पे मल्टीपल स्मॉल आपको एग्स बन रहे हैं, फॉलिकल्स बन रहे हैं। तो इसमें क्या होता है बहुत, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे समझाया, एक्सप्लेन किया कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे एक के गुच्छे बनने लगते हैं, जैसे क्या होता है हम लेडीज के बॉडीज में हर मंथ एक बनता है एंड वो आपको वही एक फर्टिलाइजेशन के टाइम में फर्टिलाइज होकर वो बेबी का मतलब बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। सो वो मुझे बोले कि तुम्हारा जो एक अच्छा सा एक बनना चाहिए जो कि फर्टिलाइज होगा वो नहीं होके बहुत सारा अंडा का गुच्छा बन जा रहा है, सो एक अच्छा अंडा नहीं बन रहा है जिस वजह से तुम कंसीव नहीं कर पा रही हो। तो मैं डॉक्टर को बोली कि डॉक्टर कैसे क्या होगा, मैं बहुत टेंशन में आ गई पूरा, तो बोले देखो टेंशन करने से नहीं होगा, मैं तुमको जैसे जैसे बताऊंगी, जैसे जैसे गाइड करूंगी तुमको वैसे वैसे करके समझना है और वैसे ही करना है, और मैं जैसे जैसे मेडिसिन दूंगी वैसे वैसे तुमको मेडिसिन खाना है और मैं तुमको गाइड करूंगी। तो मैं बहुत रोने होने लगी, मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आते हैं एंड चले जाते हैं, ज्यादा आपको उतना टेंशन मत लीजिए। तो डॉक्टर ने मुझे टेस्ट करवाने के बाद बहुत सारा थायराइड वगैरह उस टाइम में कुछ नहीं आया, सब कुछ रिपोर्ट एकदम नॉर्मल था थायराइड का एंड
आपको डायबिटीज वगैरह सारा टेस्ट दे दी थी तो करवाई तो सब कुछ नॉर्मल था। देन उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद डॉक्टर ने मुझे बहुत सारा मेडिसिन दिया एंड मैं मेडिसिन ले रही थी एंड उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, बुलाने के बाद बोला कि कुछ दिन के बाद वो बुलाई थी एंड मेरा टीवीएस बोल के अल्ट्रासाउंड होता था हर एक दिन बाद करके टीवीएस करवा रही थी वो। मुझे जो मेडिसिन चल रहा था जिससे एक का साइज का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व करने के लिए, फिर जब एक बार फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ टीवीएस हुआ तो टीवीएस तो बहुत कुछ जानते हैं कि मतलब इंटरनल वेजिनल अल्ट्रासाउंड को बोलते हैं। तो टीवीएस में क्या हो रहा था कि करवा के वो देखी कि मेरा मतलब एक अच्छा सा एक रेडी हो रहा है तो सो उनको दिखा कि नहीं एक बन रहा है अच्छे से। तो उसके बाद हर एक दिन बाद करके मेरा टीवीएस होने लगा एंड वो पूरा मोनिटाइज करने लगी मतलब देखने लगी अच्छे से कि साइज ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है कि नहीं। जब एक टाइम पे साइज अच्छे से जब ग्रो कर जाता है तो वो मैम ने मुझे एक इंजेक्शन दिया था कि ये इंजेक्शन तुमको लेना है। सो इस तरह से करके गाइस मैं इतना ही बोला चाहूँ कि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम था एंड जिस वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। मैं डॉक्टर को दिखाई, बहुत मेडिसिन चला, कुछ मंथ तक मेरा इलाज हुआ भगवान की दुआ से, भगवान की कृपा से। मैं बोल सकती हूँ कि मुझे ज्यादा दिन दिक्कत नहीं करनी पड़ी, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ा, बाबू मेरी रह गई मतलब मैंने कंसीव किया। सो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी डॉक्टर थी, बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया, बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि यस होता था हर एक दो दिन के बाद। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगी थी कि ऐसे करके कैसे होगा, हर एक दो दिन के बाद मैं टीवीएस करवा रही हूँ, डॉक्टर से विजिट कर रही हूँ, डॉक्टर ऐसे बता रही है, वो बता रही है, मेडिसिन चेंज हो रहे हैं, इंजेक्शन चेंज हो रहे हैं। सो ये वाला प्रॉब्लम था। बट क्या बोले, जब किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको उसके साथ चलना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है, भागने से तो वो चीज सॉल्व होने वाला है नहीं। तो बस यही था। ऐसे करके जब होने लगा मैं कंसीव करी तो मैं अपने डॉक्टर को बोली कि डॉक्टर मैंने मतलब मेरा साइकिल का डेट आगे बढ़ गया था। सो मैं जब टेस्ट की तो मैंने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर ऐसा सा बात है मैंने कंसीव कर लिया। एंड मैं ये भी बता दूं मैं होली के टाइम पे कंसीव की थी, मैं उस टाइम अपने ससुराल में थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि नहीं आपको तो ट्रेवल वगैरह नहीं करना है, आप आराम से 3 महीना पार हो जाएगा तब आपको अच्छे अच्छे से धीरे धीरे करके ट्रेन से आना है, बस नहीं आना है, आराम से आइएगा, बाय बस नहीं आइएगा, ट्रेन से आइएगा। तो सो हम मैं जब 3.5 महीना मैंने क्रॉस कर दिया देन डॉक्टर सुनी भी तो बहुत खुश हुई डॉक्टर। जब मैं टेस्ट की थी तो मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर ऐसा बात है, सो मैंने टेस्ट किया पॉजिटिव आया है तो बहुत ज्यादा खुश हुई, बोली वाह कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारा मतलब इतना जल्दी सॉल्व हो गया, उनको भी अच्छा लगा कि वाह तुम्हारा मतलब बहुत जल्दी सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, इतना जल्दी तुम मतलब कंसीव कर ली, भगवान ने तुम्हारा साथ दिया। तो मैं बोली मैम आप और भगवान, बस जब अगर लोग प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो बस भगवान और डॉक्टर ही याद आते हैं, इतना ही बोल सकती हूँ। सो यही था मेरा पीसीओडी का मुझे प्रॉब्लम था, उसको मल्टीपल एग्स में बनते थे तो मैं कंसीव करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए मैं बोलूंगी अदर्स को, मैरिड कपल्स को कि जो मतलब बेबी प्लान कर रहे हैं एंड कंसीव नहीं कर पा रहे, आप 6-7 मंथ तक ट्राई करो एंड अगर 6-7 मंथ तक आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो सो आप फटाफट से डॉक्टर को विजिट करो, डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करेंगे, अगर वो अगर आपका टेस्ट ओके है सो ओके है, तब तो कोई टेंशन की बात नहीं है, 1-1.5 साल आप ट्राई करो कि वो अपने आप कंसीव हो जाएगा। बट अगर कोई प्रॉब्लम है और आप घर पे बैठे हुए तो कंसीव किसी हाल में नहीं होता है, लोग बस यही सोच के रहते हैं कि भगवान मुझे बच्चा नहीं दे रहे हैं, सो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को भी प्रॉब्लम था मैंने फेस किया। सो ये मेरे वीडियो का फर्स्ट पार्ट हुआ कि कैसे मैं कंसीव की, पीसीओडी का प्रॉब्लम था मुझे, बट पीसीओडी का कोई लक्षण नहीं था, बोलते ना बाल लंबा नहीं होता है, हेल्थ बहुत ज्यादा हो जाता है, ये सब कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं था, मैं एकदम स्लिम थी, मेरे साइकिल्स भी बिल्कुल नॉर्मल थे एंड मेरा हेयर ग्रोथ तो आप लोग देख ही रहे हैं, मैं बहुत मेरा लंबा लंबा बाल है, बहुत दिन से आते नहीं है। तो पीसीओडी का कोई लक्षण नहीं था इसलिए मैं कभी पकड़े भी नहीं कि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है, बट टेस्ट हुआ तो आया मल्टीपल स्मॉल एक्स बन रहे थे तो अब क्या कर सकते हैं, था तो था, जब सुनी तो खराब लगा बट भगवान जी बहुत जल्दी जल्दी करके सब ठीक कर दिए। सो ये था मेरे मैं कैसे कंसीव की इसका प्रोसेस था एंड सुई मेडिसिन वगैरह चलते हैं, डॉक्टर गाइड करते हैं, डॉक्टर बताते हैं कैसे क्या करना है, आपको वही चीज करना है, उसी तरह से चलना है, वही सुनना है। सो मैं वो सब सुनी वैसे ही की, सो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ एंड ये मेरे वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको ये बताऊंगी कि मैंने कैसे अपना प्रेगनेंसी टाइम कैसे
मतलब मेरा गया कैसा गया, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए मुझे. सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बस इतना ही है. मुझे पसंद कीजिए आप लोग. आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, मतलब सब सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, समझ में आता है, दिख रहा है. सब सपोर्ट कीजिए, अपने ऐसे ही प्यार बनाए रखिए. मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.